Hello friends, welcome to my channel. As you all know, Ramadan is about to end and sadly but true. So here I am with a dish for Eid. I mean, it's a very simple dish. It's specifically Eid ke liye, but you can make it any time as a dessert dish. So let's get started with the recipe. सो सबसे पहले मैंने एक बड़े कंटेनर में मैरी बिस्किट को ऐसे क्रश कर लिया था बड़े बड़े टुकड़ों में, और फिर मैं इसको बारीक टुकड़े में क्रश करूँगी कुछ इस तरह से। आप ग्राहम क्रैकर भी ले सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी बिस्किट जिसमें ज़्यादा स्वीटनेस नहीं है। अब ये जो क्रैकर पाउडर है बेसिकली, इसमें मैं ऐड करूँगी अराउंड 1/4 कप ऑफ बटर, मेल्टेड बटर। इससे बनेगा हमारा बेस। ये सेम तरीके का बेस आप चीज़ केक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ द डिश दैट विल बी मेड ऑफ योगर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये मेल्टेड बटर ऐड करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यू कैन सी ये शेप होल्ड करने लगा है, दैट्स वॉट वी वॉन्ट। एक डिश ले लीजिए जिसमें आप प्रेजेंट करेंगे डिश को या फिर सर्व करेंगे। तो यू कैन सी मैंने डायरेक्टली इसमें ही बिस्किट्स डाल दिए हैं अपने, जो मैंने मिक्स किया था बटर एंड बिस्किट्स। इसको अब क्या करेंगे, हम अच्छे से हाथ से या स्पून की हेल्प से इसको शेप दे देंगे। लाइक यू गोइंग टू जस्ट प्रेस इट ऑन द बेस ऑफ दिस प्लेट, यू कैन सी समथिंग लाइक दैट। ये अच्छे से सेट हो जाएगा। जैसे ही बटर हार्डन होना शुरू होगा, दिस विल सेट इवन मोर, यू कैन सी समथिंग लाइक दैट। के लिए आपको सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, एंड आई एम श्योर ये आप लोगों को सर्व या जिसको भी आप सर्व करेंगे उनको बहुत पसंद आएगा। इसको अच्छे से प्रेशर से प्रेस कर दीजिए ताकि इट सेटल्स डाउन वेरी गुड एंड इट मेक्स अ वेरी गुड बेस। दिस इज़ डन। नेक्स्ट मैंने लिया है क्रीम के लिए दही। दही आई हैव यूज होम मेड दही विच आई हैड केप्ट हंग फॉर लाइक 2-3 आवर्स इन अ कॉटन और मसलिन क्लॉथ। आप रेडीमेड ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जब बस पानी का कंटेंट ज़्यादा ना हो इसमें। इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन जेस्ट, बेसिकली जो नींबू का पील होता है उसको ग्रेट कर लिया था, एंड दैट्स वॉट यू गेट। दिस इज़ अराउंड 1 टीस्पून। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, द सेम लेमन। ये डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कंडेंस्ड मिल्क। मुझे यहाँ पे लग गया था अराउंड 200 ml कंडेंस्ड मिल्क लग गया था, मैंने ये यूज़ किया है। आप कोई भी और कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू मेक अ स्मूथ पेस्ट। यू कैन विस्क इट एज वेल इफ़ यू वॉन्ट टू, बट जस्ट रिमेंबर यू हैव टू मेक अ स्मूथ पेस्ट आउट ऑफ इट लाइक सो। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बाकी का कंडेंस्ड मिल्क और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दैट्स इट, दिस वॉज इट गाइज। इतना ही रेसिपी है। अब इसको हम प्लेटिंग कर लेंगे, लाइक जो हमने बिस्किट को रेडी किया था बेस, बिस्किट का बेस बनाकर इसको उसमें ऐड कर देना। लाइक यू गोइंग टू ऐड दिस कर्ड क्रीम टू द बेस दैट वी हैव मेड आउट ऑफ द बिस्किट्स। तो एज आई सेड है ना, ये बिल्कुल 4 इंग्रेडिएंट्स का सिंपल सा डेजर्ट जो बहुत ही टेस्टी होता है। सो वी कैन मेक इट। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्लेटिंग कैसा करनी है इसकी। कीप दिस प्लेट इन द फ्रिज फॉर सम टाइम। अब इसमें मैं अपना जो योगर्ट रेडी किया था हमने क्रीम, वो ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। जस्ट लेवल इट आउट इवनली लाइक सो। 2 प्लेट बनाए थे जितना मैंने मेजरमेंट बताया, उस हिसाब से आई हैड मेड एग्जैक्टली ऐसे ही 2 प्लेट्स, बिकॉज आई हैड टू सर्व इट डिफरेंटली लाइक सेपरेटली, इसलिए मैंने 2 डिफरेंट प्लेट्स में यूज़ किया। आप चाहे तो इससे बड़ा कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं एंड मेक इट जस्ट 1 सेटिंग में। सो लाइक दिस यू हैव टू जस्ट पुट द कर्ड, मेक अ थिक लेयर एंड इवनली स्प्रेड इट आउट। You can garnish this the way you like it. मैंने you can just use lemon zest. I have used the same biscuits like so. Just sprinkle out कर दिया था इसको and थोड़े से lemon के pieces cut करके ready कर दिया था। So you can see the layers. This is how it looks. आप इसमें design भी दे सकते हैं। I have not really tried giving any kind of design. So this is how it looks. Just refrigerate it for like 2-3 hours and then it is ready to serve. So this is it. You can make it sometime and tell me how was it in the comment section below. Do hit the like button and subscribe to my channel. Thanks for watching, guys.